हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ प्रियंका। हम आज शुरू करेंगे ज्योमेट्री वाला पार्ट, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हम करेंगे डिफरेंट एंगल्स, एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले पार्ट आता है एंगल्स। अभी एंगल्स हमने पहले किया था, एंगल्स क्या होते हैं, अब ये देखते हैं कि एंगल्स कितने तरीके के होते हैं। तो सी, एंगल्स जो हैं, अगर कोई एंगल जिसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 0 डिग्री से ज़्यादा है, और समझ लो ये वैल्यू, ये जो एंगल है इसका नाम है एंगल ए। सो जो एंगल ए है वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। तो 0 से 90 के बीच में आने वाले सारे एंगल्स जो होते हैं ऐसे, इनके लिए एक नाम है, दैट इज़ अक्यूट एंगल्ड। सो अक्यूट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। दूसरा एंगल होता है, उसको बोलते हैं राइट एंगल। नाउ राइट एंगल एक ऐसा एंगल है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाए। तो कोई भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसको हम बोलेंगे ये है राइट एंगल। और ये 90 डिग्री जहाँ पे बने इसी लाइन को बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो अगर कभी बोला जाए कि एक परपेंडिकुलर बनाओ इस लाइन पे, समझ लो ये लाइन है ए बी और हमको ए बी पे परपेंडिकुलर बनाना है, तो एग्जैक्टली हमको क्या बनाना है, एक 90 डिग्री की लाइन खींचनी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा एक्यूट एंगल हुआ, राइट एंगल हुआ। अभी नेक्स्ट एंगल जो है वो है ऑप्ट्यूज एंगल। तो ऑप्ट्यूज एंगल कुछ ऐसा बनेगा, मतलब इसकी वैल्यू 90, जैसे ये 90 था तो 90 से भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो दैट इज़ ऑप्ट्यूज एंगल। तो एग्जैक्टली ऑप्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री तक के होते हैं, तो ऑप्ट्यूज एंगल जो होता है वो तुम देखोगे, ऑप्ट्यूज एंगल समझ लो इस एंगल का नाम ए है। तो ये जो एंगल ए है ये 90 डिग्री से तो 100% बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। तो ऐसे एंगल बोलते हैं ऑप्ट्यूज एंगल। ओके, नाउ अभी और तीन एंगल बचते हैं, तो चलो उसको देखते हैं वो क्या है। सो अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑप्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या एंगल है। तो यहाँ ये पॉइंट है मेन, समझ लो ए, ये एक स्ट्रेट लाइन थी। अभी अगर एंगल ए पे इस तरीके का स्ट्रेट लाइन बने तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री। 180 डिग्री की लाइन जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर ऐसा एंगल बने तो हम उस एंगल को बोलेंगे भी स्ट्रेट एंगल। ओके, सो स्ट्रेट एंगल मतलब इस एंगल ए जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल 180 डिग्री। ठीक है, और अब इससे और बढ़ जाए, मतलब ये पार्ट थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, यानी कि ऐसा ये पार्ट 180 से नीचे आ जाए, ये 180 डिग्री की लाइन थी, इससे भी नीचे आ जाए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 180 है लेकिन ये और एक्स्ट्रा हो गया। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू कितनी होती है, समझ लो ये अगर एंगल ए है तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगी। और टोटल में एंगल्स कितने, टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से कम होगा, तो वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो टोटल में हमने 5 किया, एक और कर सकते हो अगर कोई वैल्यू जो है, जैसे ये लाइन है, ये एंगल ए है, अभी इसकी वैल्यू यहाँ से लेके पूरा घुमा के यहाँ तक, ये वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, दिस इज 360 डिग्री, पूरा का पूरा कम्प्लीटली ले लिया, तो इसीलिए इसको कम्प्लीट एंगल भी बोला जाता है। बाकी मेनली तो पहले वाले 5 ही हैं, बट ठीक है, नाम पता होना चाहिए। तो ये कम्प्लीट एंगल है। अब इन डिफरेंट एंगल्स को किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोट्रैक्टर। तो वो मैं अब तुमको ऐसे तो नहीं दिखा सकती बोर्ड में, तो प्रॉपरली कॉपी पेन के साथ दिखाती हूँ कि कैसे हम एंगल को मेजर करते हैं। ओके, सो अभी हम सीखेंगे मेजरिंग एंगल्स थ्रू प्रोट्रैक्टर। सो ये प्रोट्रैक्टर है, अभी हम इसे, ये देखो यहाँ पे अगर अंदर की तरफ जो है वो लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से लेकर के 180 तक, ठीक है, यहाँ राइट से चालू करके लेफ्ट तक। और बाहर की तरफ देखो तो इस साइड से,
0, 10, 20, 30, 40 करके ये 180 तक बाहर लिखा हुआ है. ओके, और इसके बिल्कुल मिडिल में ये एक, देखो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और ये है सेंटर पॉइंट. तो हमको मेन ये सेंटर पॉइंट की ज़रूरत होती है सबसे पहले. तो सो हम कोई भी एंगल्स, ये मैंने इतने सारे एंगल्स बना के रखे हैं और अभी हमको पता करना है कि किसका कितना मेजरमेंट है. तो अब जैसे फर्स्ट वाले से चालू करें, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये एंगल बन रहा है, मतलब दोनों रेज आकर के मीट हो रही है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करना है. और फिर क्योंकि ये लाइन इस साइड जा रही है, मतलब इस साइड राइट साइड वाली लाइन से इसको भी बिल्कुल मैच करना है. तो हम इस तरीके से रखते हैं इसको, प्रोट्रैक्टर को, कि ये जो है ये इस पॉइंट के ऊपर आ जाए एकदम ऊपर, और ये दोनों लाइन भी बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन हो, बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन, राइट. तो ये हमने बिल्कुल पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन रखा. और अब देखो वो जो दूसरी लाइन थी वो कौन से जा रही है. तो हम अब कहाँ से पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे कि नीचे से. तो क्योंकि हमने ये जो यहाँ से चालू किया, ये लाइन इस लाइन से मैच कर रही है, तो ज़ीरो तो इधर ही होगा, तो हम यहाँ का ज़ीरो लेंगे. अब ज़ीरो से चालू करो, सो 0, 10, 20, और ये देखो 30 पे ये लाइन जो दूसरी लाइन थी बिल्कुल 30 से होके जा रही है. तो यानी हमारा जो एंगल बना है ये बना है 30 डिग्री. ओके, एक और देखते हैं. यहाँ पे अगेन इस पॉइंट से और इस साइड जा रहा है, तो इस पॉइंट पे मैच करेंगे. तो हमने ये सेंटर को इस एंगल से बिल्कुल और इस लाइन पे बिल्कुल रख दिया. और अब हम देखते हैं, यहाँ से चालू करते हैं 0, 10, 20 करते हुए, ये जो लाइन है ये बिल्कुल कौन सी लाइन के ऊपर जा रहा है, तो इसी ये बिल्कुल 90 डिग्री लाइन के ऊपर है. इसका मतलब ये एंगल हमारा बना है 90 डिग्री. नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें इसको सेंटर से मैच किया और इस लाइन को इस लाइन से कर दिया. ओके, अभी नाउ सी ये जो पार्ट है, ये लाइन हम यहाँ से देखते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 के आगे ये लाइन जा रही है. तो अभी यहाँ ध्यान से देखो, ये 60 के बाद कौन सी लाइन हो सकती है, ये 60 है. इसके बाद दूसरी पहली लाइन होगी 61, फिर 62, फिर 63, फिर 64. ये 64 से लाइन जा रही है बिल्कुल. तो ऐसे एंगल को फिर हम बोलेंगे 64 डिग्री. तो यहाँ पे सी ये जो बीच बीच के लाइन होते हैं, ये भी 1, 2, 3, 4 करके 20 से 30 के बीच में 10 लाइन रखे हुए हैं. हाँ, सो 20 से 30 के बीच में हम 21, 22, 23 कोई भी डिग्री हम इससे मेजर कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो. ये हो गया, इस पर हम यहाँ सेंटर पे रखें, बिल्कुल मिडिल पे ये लाइन जैसे अभी देखो टेढ़ी है, तो इसको मैं सीधा कर दूँ. इसको थोड़ा सा प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल इधर ले आती हूँ. अब ठीक है, बिल्कुल एकदम लाइन के ऊपर लाइन है. तो अब हम यहाँ से ज़ीरो से चालू करते हैं, तो ये लाइन जो है ये अगेन 120 के और बाद में, तो 120 से बड़ा है, इतना तो पता चल गया. कितना बड़ा है वो इधर से देखते हैं. ये 120 था, 121, 122, 123 से लाइन जा रही है. इसका मतलब ये एंगल है 123 डिग्री. और नाउ नेक्स्ट ये एंगल. अभी ये एंगल क्या होता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल से भी बड़ा, मतलब स्ट्रेट एंगल से बड़ा है. दिस एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. तुम लोगों ने अभी पढ़ा था, देखो एक बार हम लोग वापस ये देखते हैं. ये 64 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, इसको हम बोलेंगे अक्यूट एंगल. ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ही है. ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री से कम, दिस इज़ अक्यूट एंगल. ये 123 डिग्री है, यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है. और अगर इससे भी आगे, मतलब स्ट्रेट एंगल 180, ये स्ट्रेट लाइन होती है ना सी, अगर ये लाइन होती तो ये स्ट्रेट लाइन होती, 180 से भी नीचे निकल जाए तो ये एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल. तो अभी रिफ्लेक्स एंगल को हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, सो इसको मेजरमेंट करने के लिए ऐसे कर सकते हो, नीचे की तरफ ये एंगल कितना बन रहा है ये निकाल सकते हो. तो हम हमेशा ऐसे देख रहे थे प्रोट्रैक्टर को रख करके. अब यहाँ ऊपर कोई लाइन है नहीं, लाइन तो नीचे है, तो प्रोट्रैक्टर को उल्टा कर दो. ओके, और उसके बाद में हम इसको इससे मैच करते हैं, इस लाइन से. तो हमने इसको मैच किया, ये पॉइंट से पॉइंट, लाइन से लाइन बिल्कुल. और अब देखते हैं ये लाइन यहाँ पे कहाँ से जा रही है. ठीक है, तो ये लाइन जो है हमारी, अभी हमारा ज़ीरो कहाँ है, ज़ीरो इस लाइन से ट्रेस करें तो ज़ीरो यहाँ पे लेंगे हम. इस बार बाहर वाला ज़ीरो है, तो हमने ज़ीरो बाहर का, 10, 20 सब बाहर के हम काउंट करते जा रहे हैं. तो हमारे ये एंगल देखो 120, 130, 140 से थोड़ा पहले है,
सो 135, 136, 137, 138, 139 डिग्री है ये वाला, लेकिन हमको तो चाहिए ये ऊपर वाला एंगल। यहाँ का निकाल के क्या मतलब, तो बिकॉज ये पूरा सर्कल, ये पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का, उसमें से हमने इधर वाला निकाल लिया 139, तो बचा हुआ क्या है माइनस करके देख लो, तो ये हमारा आया आंसर 221। तो ये मेजरमेंट हमारा होगा 221 डिग्री जो हमको चाहिए। सो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, बहुत क्लियर है क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, 180 से ज़्यादा, 360 से कम है, 221 डिग्री। सो यहाँ हमने ख़त्म किया फर्स्ट पार्ट अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का। सेकंड पार्ट भी फटाफट अपलोड करूँगी क्योंकि टाइम नहीं है, एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, और एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, मैथ्स का एग्जाम कब है मुझे बताना, कमेंट करना, और पता है टाइम नहीं है, बट फिर भी अगर अच्छा लगे तो एटलीस्ट वीडियो लाइक जरूर कर देना, और एग्ज़ाम कैसे होते हैं एग्ज़ाम के बाद में वो रिजल्ट्स में मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मेरे स्टूडेंट्स अच्छा करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, बाय बाय, जय हिंद।